बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने ये वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ज्योमेट्रिक शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सिमेट्री। आज डिस्कस करेंगे क्लीवेज को। व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज मींस breakdown of a crystal into small identical pieces. Into small identical pieces due to external stress. अगर क्रिस्टल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, स्ट्रेस अप्लाई करें बाहर से, तो क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, टूट जाएगा। इस अमल को क्लीवेज कहते हैं। क्रिस्टल के क्लीवेज से जो स्मॉल पीसेस बनते हैं, वो पीसेस आइडेंटिकल होते हैं। स्मॉल पीसेस आर आइडेंटिकल किस लिहाज से? रिमेंबर, फ्रॉम शेप पॉइंट ऑफ व्यू, शक्ल के लिहाज से, नॉट फ्रॉम साइज पॉइंट ऑफ व्यू। यानी सपोज अगर एक पीस इस शक्ल का है तो दूसरा इस शक्ल का होगा। जो शक्ल इसकी होगी वही इसकी होगी। साइज जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो। जब कोई क्रिस्टल टूटता है तो स्मूथ सरफेसेस बनते हैं। हमवार सतह बनती है। उन स्मूथ सरफेसेस को क्लीवेज प्लेन कहते हैं। देखिए, ऐसे में डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं, ये 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 और ये, ये एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं। जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये यूं टूट जाएगा। ये देखो, ये पीसेस बन गए। ये अमल क्लीवेज कहलाएगा। और टूटने के बाद ये देखो, हमवार सतह बन गई। इस हमवार सतह को क्लीवेज प्लेन कहो। ये क्लीवेज प्लेन, ये क्लीवेज प्लेन, ये क्लीवेज प्लेन, जैसे आम जुबान में हम फेस भी कहते हैं, क्लीवेज प्लेन और फेस। एंड डायग्रामेटिकली यू रिप्रेजेंट करें। देखो, ये एक क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं जो ऐसे अरेंज। ये पार्टिकल्स, एटम्स, ये पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं और ये ऐसे अरेंज हैं। ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इनके नीचे पार्टिकल्स अरेंज है। ये क्लोजली पेक्ड है, क्लोजली पेक्ड। ये एक और लेयर के पार्टिकल्स,
इसी तरह ये एक और लेयर के पार्टिकल्स। अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो ये जो लेयर ऑफ पार्टिकल है ये इस लेयर ऑफ पार्टिकल से अलग हो जाए, गिर जाए और यूं ये ऐसे बन जाएंगे। इस अवन को कहेंगे क्लीवेज। यहां पे फोर्स अप्लाई करके भी हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फोर्स यहां पे अप्लाई करें तो फिर ये क्लीवेज नहीं होगी, फिर ये क्रिस्टल स्प्लिट नहीं होगा। ये फोर्स हम यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जगह है इसे क्लीवेज प्लेन कहते हैं। ये जो जगह है इस जगह को क्लीवेज प्लेन कहेंगे, क्योंकि जब हम यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पीसेस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और स्मूथ सरफेस बनेगा। यहां से आप लाख फोर्स अप्लाई करें क्लीवेज नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पे स्मूथ सरफेस मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल की क्लीवेज खास जगहों से मुमकिन होती है, हर जगह से क्रिस्टल का क्लीवेज मुमकिन नहीं होता। एक क्रिस्टल में एक क्लीवेज प्लेन भी हो सकता है, दो क्लीवेज प्लेन भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बास क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई क्लीवेज प्लेन नहीं होता और वो क्रिस्टल्स हैं मेटालिक सॉलिड्स। दे हैव नो क्लीवेज प्लेन। एन आइसोट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खूबियों में से एक और खूबी एन आइसोट्रोपी। व्हाट इज एन आइसोट्रोपी? एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड करे, उस प्रॉपर्टी को एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं और सबस्टांस को एन आइसोट्रोपिक सबस्टांस कहते हैं। अ फिजिकल प्रॉपर्टी हूज मैग्नीट्यूड changes with change in direction. With change in direction. हाँ, थोड़ा सा मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करूं। देखो, अगर मैं क्रिस्टल के पार्टिकल्स यू अरेंज करूं ऐसे, अगर मैं क्रिस्टल के पार्टिकल्स यू अरेंज और मैं इसे तोड़वाना चाहूं, यानी इसका क्लीवेज करना चाहूं, तो
अगर मैं यहां से फोर्स अप्लाई करूंगा इस क्रिस्टल की क्लीवेज मुमकिन नहीं होगी। वजह ये है कि ये और ये पार्टिकल इनके बीच तो ये जगह मौजूद है, क्लीवेज प्लेन है, लेकिन नीचे ये क्लीवेज प्लेन नहीं है, इसके नीचे पार्टिकल पड़ा है। देयरफॉर ये क्रिस्टल यहां से टूटेगा नहीं। अगर मैं यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो भी ये क्रिस्टल यहां से नीचे तक नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं ऐसे पैरेलल टू लेयर्स, ऐसे फोर्स अप्लाई करूं तो इस लेयर के पार्टिकल इस लेयर से जुदा होंगे। इसी तरह अगर यहां से फोर्स अप्लाई करूं तो इस लेयर के पार्टिकल यहां इससे जुदा होंगे और यूं क्लीवेज मुमकिन होगा। कंसीडर अनदर कॉमन एग्जांपल। मैं आपको एक कॉमन ऑब्जर्वेशन का बता दूं। कंसीडर एन एक अंडा कंसीडर, वो अंडा आप ले लें और उसे यूं पकड़े लेंथ वाइज फोर्स अप्लाई करें तो वो अंडा टूटेगा नहीं। आप लाख फोर्स अप्लाई करें नहीं टूटेगा, पर ऐसे पकड़े और साइड से आप उसे प्रेस करें तो वो टूट जाएगा। अब अंडे को तोड़वाना है, एक साइड से मुमकिन नहीं है, लेंथ वाइज मुमकिन नहीं है, साइड वाइज मुमकिन। तो ये जो टूटने का अमल है ये एक एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर अंडे को हम यूं पकड़े इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे नहीं टूटेगा, यूं पकड़े और फोर्स अप्लाई करें तो टूट जाएगा। कंसिडर इन अदर ऑब्जर्वेशन। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्स में मुश्तमिल होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे ये बुक, इस किताब के जो पेजेस हैं ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। एक लेयर कार्बन एटम की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, यूं कार्बन एटम लेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो ये बुक ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ग्रेफाइट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, यानी बिजली की दो तारे लूं, एक यहां पे और एक यहां पे रखूं, तो आप देखोगे कि ग्रेफाइट से बिजली पास होगी। अगर हम ग्रेफाइट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें पैरेलल टू लेयर्स तो ग्रेफाइट करंट कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर वही दो तारे एक यहां दूसरा यहां, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करूं परपेंडिकुलर टू लेयर, तो फिर उससे बिजली पास नहीं होगी। एक ही ग्रेफाइट है, एक डायरेक्शन से करंट को छोड़ रहा है, दूसरे डायरेक्शन से करंट को नहीं छोड़ रहा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करे उसे कहोगे एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, और उस प्रॉपर्टी को कहोगे एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनको अगर आप मुख्तलिफ डायरेक्शन से मेजर करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ आएगा। मैंने एक चेयर पे बैठना है चेयर के ऊपर, तो मैं चेयर के ऊपर तब बैठ सकता हूं अगर मैं हाफ डायरेक्शन से आके उसके ऊपर बैठूं, तब मेरे लिए ये मुमकिन होगा कि मैं चेयर के ऊपर बैठ सकूं। हर साइड से मैं चेयर के ऊपर नहीं बैठ सकता। ये जो मेरे बैठने का अमल है चेयर के ऊपर, ये भी एक एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर है। तो
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी उनका मैग्नीट्यूड, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। एक साइड से जब आप एक ही प्रॉपर्टी को मेजर करोगे उसका एक मैग्नीट्यूड आएगा, दूसरे साइड से उसी प्रॉपर्टी को मेजर करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा। सो हम एन आइसोट्रॉपी को कैसे डिफाइन करेंगे? अ फिजिकल प्रॉपर्टी हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एन आइसोट्रॉपिक होती है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। यहां से ये आपको और क्लियर हो जाएगा। कंसिडर एन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड अपोजिटली चार्ज आयंस के बने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये मैंने एक आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लिखा। ये एक आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, और देखो मैं एक प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूं अलोंग दिस डायरेक्शन। ये एक प्रॉपर्टी की मेजरमेंट है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो देखो इसके ऊपर और नीचे कौन से पार्टिकल मौजूद हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, साइड्स पे कौन से मौजूद हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर यही प्रॉपर्टी मैं यू मेजर करूं यहां से, तो देखो इस प्रॉपर्टी के डाउन साइड पे कौन से पार्टिकल अरेंज हैं, सिर्फ नेगेटिव। यहां पे कौन से पार्टिकल नीचे अरेंज थे, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां अगर इस डायरेक्शन से मेजर करूं तो कौन से पार्टिकल्स अरेंज हैं, ओनली नेगेटिव। सो इस प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट का सामना है, देयरफॉर यहां पे इसका मैग्नीट्यूड एक होगा, जबकि इस डायरेक्शन से इसका मैग्नीट्यूड कोई और होगा। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ये एन आइसोट्रॉपिक होगी। सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होती हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी एन आइसोट्रॉपिक होती है? ये है क्लीवेज, क्रिस्टल का टूट जाना। सेकंड, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जिसका ताल्लुक लाइट के साथ हो, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीन प्रॉपर्टीज एन आइसोट्रॉपिक होती हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करने से चेंज होता है। क्लीवेज, क्लीवेज मींस ब्रेकडाउन ऑफ अ क्रिस्टल। क्या हम क्रिस्टल को हर साइड से तोड़वा सकते हैं? नो, हर साइड से क्रिस्टल का टूट जाना मुमकिन नहीं होता।
क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ खास सरफेसेस से टूटता है जिन्हें क्लीवेज प्लेन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, क्या एक कंडक्टर से हर डायरेक्शन से करंट पास होता है? नो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट से करंट तब पास होगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें पैरेलल टू लेयर, परपेंडिकुलर टू लेयर। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर करंट पास नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड की और प्रॉपर्टीज हैं। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल ग्रोथ by habit of a crystal, shape in which a crystal grows. वो शक्ल जिसमें क्रिस्टल की ग्रोथ होती है। habit of a crystal से मुराद है मॉर्फोलॉजी ऑफ अ क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल हैज क्यूबिक हैबिट। दुनिया में आप कहीं पे भी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल ग्रो करें, प्रिपेयर करें, तो उसकी शक्ल क्यूबिक होगी। कहीं पे भी बशर्ते कंडीशन सेम हो, सोडियम क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक शेप में ही ग्रो करेगा। एक क्रिस्टल का हैबिट अगर कंडीशंस एक जैसे हो कभी चेंज नहीं होगा। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल मींस वो शक्ल जिसमें एक क्रिस्टल की ग्रोथ होती है। एक क्रिस्टल अपना हैबिट रिटेन करता है बशर्ते ग्रोइंग कंडीशंस एक जैसे हो। क्रिस्टल का हैबिट चेंज होता है उस वक्त अगर हम कंडीशन को, ग्रोइंग कंडीशन को चेंज करें। अगर हम इंप्यूरिटीज डाल दें, इंप्यूरिटीज, तो क्रिस्टल का हैबिट ग्रोइंग कंडीशन चेंज करने से और इंप्यूरिटीज डालने से चेंज होगा। कैसे चेंज होता है? देखो, टेम्परेचर चेंज करने से जो पार्टिकल्स के दरमियान फासले हैं वो फासले चेंज होंगे और यूं क्रिस्टल की जो शक्ल होगी वो शक्ल चेंज हो जाएगी। इम्प्यूरिटीज डालने से क्रिस्टल की शक्ल यानी क्रिस्टल का शेप कैसे चेंज होता है, तो इसके लिए आप क्रिस्टल ग्रोथ कंसिडर करें। क्रिस्टल को कैसे ग्रो किया जाता है? मैंने सपोज शुगर के क्रिस्टल्स बनाने हैं,
या मैंने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनाने हैं। इसके लिए तरीका यह है कि इसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सपोज मैंने शुगर के क्रिस्टल बनाने हैं, व्हाट आई विल डू, मैं शुगर पानी में डालूंगा, डिजॉल्व करूंगा, उससे गर्म करूंगा ताकि सॉल्यूशन हार्ड हो और सैचुरेटेड हो। हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे पास बना, इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अब मैं कूल करूंगा स्लोली। तो जब इसे कूल करूंगा, व्हाट विल हैपन, सॉल्युबल शुगर विल बिकम इनसॉल्युबल। जो शुगर पहले डिजॉल्व हुआ था, अब वो इनसॉल्युबल होता जाएगा। तो पहला एक छोटा सा सॉलिड बनेगा अंदर, और अब ये जो छोटा सॉलिड है इसे कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द शुगर। अब ये छोटा सा सॉलिड ग्रो अप होगा कहां पे, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। इसकी ग्रोथ शुरू होगी यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और यूं ये बढ़ के एक बड़ा क्रिस्टल बना ले। सोडियम क्लोराइड के केस में ये कैसे होगा, तो देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, यानी एक डायरेक्शन में पार्टिकल ग्रोथ करेंगे। इसके नीचे पार्टिकल ग्रोथ करेंगे और इसके ऊपर पार्टिकल ग्रोथ करेंगे, यानी इस सोडियम के ऊपर नेगेटिव, फिर उस नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, और यूं एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। तो ग्रोथ अगर तीनों एक्सिस पे हो, यानी ऐसे भी, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, तो ट्रू क्रिस्टल बनेगा। लेकिन अगर इसमें हम इंप्यूरिटीज डाल दें, इंप्यूरिटीज, अगर इसमें हम इंप्यूरिटीज डाल दें, तो इंप्यूरिटी क्या करता है, एक साइड पे पार्टिकल की ग्रोथ को रोक देगा। ऐसे अब इसके नीचे नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि इंप्यूरिटी ने इस जगह को इंसुलेट कर लिया। अब ये पार्टिकल ग्रो करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक एक्सिस के ऊपर। जब एक एक्सिस के ऊपर पार्टिकल ग्रोथ करेंगे तो नीडल लाइक क्रिस्टल बने। नीडल जैसे क्रिस्टल बनेंगे अगर पार्टिकल ग्रोथ करे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर। शुरू में इसका शेप था क्यूबिक, लेकिन इंप्यूरिटीज आने से शक्ल में चेंज आया, क्यूबिक क्रिस्टल चेंज हुआ किस शक्ल में, नीडल लाइक क्रिस्टल में। ये कब होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड में यूरिया एज इंप्यूरिटी डाल दे, तो सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक हैबिट चेंज हो जाएगा और वो नीडल लाइक क्रिस्टल बनाएगा। क्योंकि दो ऐसे सूरत में ग्रोथ होती है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर।
अगर दो एक्सिस के ऊपर ग्रोथ हो तो फिर फ्लैट सरफेस बनेगा, फिर पार्टिकल ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे तो ये यूं फ्लैट सरफेस बनेगा। और अगर तीनों एक्सिस के ऊपर ग्रोथ होगा तो फिर एक ट्रू सॉलिड बनेगा, ट्रू सॉलिड। ऐसे particles will grow along the three axes, ऐसे भी ग्रोथ होगी, ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी। तो impurities डालने से crystal का habit क्यों change होता है? This is the question. Impurities crystal के बाज active sites को block कर, यानी सपोज इंप्यूरिटीज ने ये नीचे वाली साइड ब्लॉक कर दी, फिर नीचे से पार्टिकल ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर पार्टिकल ग्रो करेगा। नतीजे में जो क्रिस्टल बनेगा उसका शेप ओरिजिनल क्रिस्टल से मुख्तलिफ होगा। एक दफा फिर सुने, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल एंड ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल। Habit of a crystal means shape in which a crystal grows. Habit of a crystal को morphology of crystal भी कहते हैं, यानी crystal की जाहिरी शक्ल, crystal जिस शक्ल में दिखता है वो उसका habit कहलाता है। एक crystal का habit change नहीं होता, जैसे sodium chloride का cubic habit है, यानी सोडियम क्लोराइड क्यूबिक शक्ल का होता है। सोडियम क्लोराइड को अब दुनिया में कहीं पे भी प्रिपेयर कर ले, उसके क्रिस्टल का शेप क्यूबिक होगा। क्या हम क्रिस्टल के हैबिट को चेंज कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं अगर हम ग्रोइंग कंडीशन चेंज करें या इंप्यूरिटीज डाल दें। ग्रोइंग कंडीशन से मुराद है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से भी क्रिस्टल का हैबिट चेंज हो जाता है। कैसे होता है? अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो पार्टिकल के दरमियान जो फासले होंगे वो फासले चेंज हो जाएंगे और यूं क्रिस्टल का शक्ल चेंज होगा। इंप्यूरिटी डालने से क्या होता है? अगर हम सोडियम क्लोराइड में यूरिया बतौर इंप्यूरिटीज डाल दें तो ये इंप्यूरिटी इस सोडियम क्लोराइड के बाज एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करेगा, फिर ग्रोथ होगी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर, फिर जो सोडियम